ए गलिया ए चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, ए गलिया ए चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, कि हम तो भए परदेसी सजना, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, साजगुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। भारतीय इतिहास के आधार पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जीके से रिलेशन है। देखते हैं दोस्तों, नंबर वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? इस चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सबसे पहले भारत से अवगत कराया गया कौन सा है? सिकंदर, अरब, ग्रीक, ईरानी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सिकंदर। देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, व्याख्या भी यहाँ दिया गया है। व्याख्या मतलब ये पढ़ने से इसमें से और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था, क्वेश्चन बन सकता है, इधर पूछ सकता है क्वेश्चन, सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था? तो हम लोग बोल सकते हैं अलेग्जेंडर। ऐसे ही व्याख्या में अगर व्याख्या पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन की जगह दो तीन क्वेश्चन बना पाएंगे हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्य में विभाजित किया गया था? कितना राज्य में विभाजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 28, 28 राज्य में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीसी का सही संक्षेप है? बीसी, बीसी का सही संक्षेप है, ऑप्शन में दिया है बर्थ ऑफ कास्ट, बर्थ ऑफ कास्ट, बेबी कास्ट, बिफोर कास्ट, बिफोर सेंचुरी। तो इसका आंसर होगा नंबर सी बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर डी है 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसका भी व्याख्या दिया हुआ है दोस्तों, व्याख्या पढ़ने से और भी क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे, आप लोग व्याख्या को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांच नंबर क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिंदी में शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 78, अंग्रेजी में 78वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा सही आंसर, 320 अंग्रेजी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सात नंबर क्वेश्चन, ह्यून तंग भारत कब आया था? ह्यून तंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यून तंग भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 629 से 645 के बीच ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आठ नंबर क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? आंसर होगा 1206 अंग्रेजी में, 1206 अंग्रेजी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, 1622 ईस्वी में अंग्रेजी बड़े ने किस युद्ध से पुर्तगालियों को हराया था? 1612 में, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? ऑप्शन नंबर ए होगा सूरत, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जोधपुर की स्थापना एक राजदूत देश ने 1459 में की थी? जोधपुर की स्थापना किसने की थी 1459 में, ही पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर राव जोधा, जोधा बाई, मान सिंह, राणा प्रताप। आंसर हो जाएगा ए नंबर राव जोधा, जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा 1459 अंग्रेजी में। इसका भी व्याख्या है दोस्तों, व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या देखने से
और भी हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे, अगर कोई इसके रिलेशन अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम लोग दे पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।